नमस्कार एंड हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट न्यूज चैनल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज क्रिसमस का त्यौहार है, तो एबीपी गंगा की पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले सभी दर्शकों को विश यू अ वेरी मेरी हैप्पी क्रिसमस। और हमारे इस खास शो के आज खास मेहमान से आपको मिलवाते हैं, चलिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों को क्रिसमस का फेस्टिवल कितना ज्यादा पसंद है, और उसका रीजन होता है सांता और सांता, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और ढेर सारा सेलिब्रेशन लेकर आते हैं। तो चलिए हम भी आज अपने बच्चों को निराश नहीं करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ उनका ये फेवरेट फेस्टिवल क्रिसमस। आज क्रिसमस है और सांता क्लॉज बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, हम भी अपने जो खास मेहमान है, जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें निराश नहीं करेंगे। उनके लिए हमने भी कुछ सरप्राइज प्लान किया है और वो इस बॉक्स में। तो ये थी बच्चों के साथ ढेर सारी मस्ती, और चलिए अब बच्चों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लाइफ का सांता कौन है वो शख्स जो उन्हें ढेर सारी खुशियां देता है। चलिए सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम रोहित। रोहित, आपकी लाइफ का सांता कौन है? मैम दोस्त। कौन सा फ्रेंड? मैम द्वारकाधीश। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। आपका, आपकी लाइफ का सांता कौन? मेरा लाइफ का सांता दोस्त। आपका नाम? मेरा नाम गीता है और मेरे संजीत सर। आपकी लाइफ के सांता आपके सर हैं, ओके। आपका नाम क्या है और आपके लाइफ का सांता कौन? मेरा नाम मोहित है, मेरे लाइफ का सांता अलीशान। अलीशान क्यों? मेरा दोस्त है, फ्रेंड। ठीक है, तो इनका फ्रेंड इनके लिए सांता है। आपका नाम क्या है और आपके लाइफ का सांता कौन? मेरा नाम मूरत है, मेरे लाइफ का सांता मेरे दोस्त है रोहित मोहित। ये तो रोहित मोहित इनके लाइफ के सांता है जो इन्हें बहुत सारी खुशियां देते हैं। और चलिए इनसे जान लेते हैं आपका नाम और आपके लाइफ का सांता। माय नेम इज द्वारकाधीश, मेरे लाइफ के सांता मेरे मम्मी पापा। इनके लाइफ के सांता इनके मॉम डैड है। आपका नाम, आपके लाइफ के सांता? मेरा नाम लाडली है, मेरी मैम है सुमलता। ठीक है लाडली, बहुत प्यारा नाम है। आपका नाम और आपकी लाइफ का सांता? मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरे लाइफ का सांता मेरे मम्मी पापा है। तो आपने जाना इन बच्चों के लाइफ के सांता, कुछ लोगों के जो लाइफ के सांता है वो उनके फ्रेंड्स हैं और कुछ की उनके पेरेंट्स हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं इन बच्चों से कि आखिर वो क्या बनना चाहते हैं, उनके एम्बिशियस क्या है और क्या कुछ सपने ये छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और बताइए कि आप क्या बनना चाहती हैं। मेरा नाम मूरत है, मैं अपने गाँव का प्रधान बनना चाहती हूँ। तो ये गाँव की प्रधान बनना चाहती हैं। आपका नाम क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा नाम मोहित है, मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। ये आर्मी में जाना चाहते, तो छोटे फौजी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। आप क्या बनना चाहती हैं? मेरा नाम गीता है, मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। ये लॉयर बनना चाहती हूँ। आपका नाम और आप क्या बनना चाहती हैं? मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। टीचर क्यों? टीचर्स तो मारते हैं। नहीं, टीचर पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं टीचर। आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा नाम रोहित है, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। रोहित, आपने खाना नहीं खाया? मेरा नाम रोहित है, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। जोर से बोलो। मेरा नाम रोहित है, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। टीचर क्यों बनना चाहते हैं आप? पढ़ाने के लिए बच्चों को। ये पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, ये अच्छे बच्चे हैं। पूरा अधिकार पढ़ने के लिए मिलना चाहिए और किसी को कम नहीं समझना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर एक टीचर जी ने हमें, फ्यूचर के टीचर जी ने दिया है कि हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। आपका नाम और आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा नाम लक्ष्मी, मैं डांसर बनना चाहती हूँ। ये डांसर बनना चाहती है, आप हमें डांस करके दिखाएंगी? ये हमें डांस करके भी दिखाएंगी। आप कौन से गाने पर डांस करेंगी? धीमे 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 धीमे। कैन वी हैव म्यूजिक प्लीज? तो ये थी हमारी डांसर, और चलिए इनसे जान लेते हैं ये क्या बनना चाहती हैं। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस क्यों बनना चाहती हूँ? जैसे क्या, जो भी कोई चोर उड़ नहीं होते उसे पकड़ते हैं। ये चोर को पकड़ेंगी, तो अगर आप चोरी कर रहे हैं या आपके मन में चोर है, तो ये हमारी फ्यूचर की पुलिस है, इनसे बच के रहिएगा। तो बच्चों के साथ तो हमने ढेर सारी मस्ती कर ही ली, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि
आज फेस्टिवल है और फेस्टिवल के दिन हम सबके घर में, आपके घर में बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है, कई तरीके के खाने बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं और कई बार ऐसा होता है कि खाना बहुत ज़्यादा भी बन जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इस गंभीर मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। माय नेम इज शिवम एंड आई एम फ्रॉम रॉबिन रोड आर्मी आरजे। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप हमें बताएं कि ये थॉट कहां से आया और साथ ही क्योंकि हमारे कैंपेन का नाम है एक दाना, और इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से हम इनसे जानेंगे। बेसिकली ये थॉट जो इसके फाउंडर हैं नील घोष एंड आरुषि बत्रा और उनका फ्रेंड सर्कल, ये 2014 में आया था और उस टाइम पे दे स्टार्टेड फ्रॉम अ ब्रिज बेसिकली अंडर हॉर्स कास। उन्होंने फर्स्ट टाइम एक ड्राइव की थी, फूड ड्राइव, बेसिकली उन्होंने रेस्टोरेंट से फूड पिक किया और वहाँ पर सर्व किया। सो दिस इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस इज़ एक्सपेंडेड आफ्टर 2014 एंड 2015 में हमारे पास 80 वॉलेंटियर्स थे, देन इट एक्सपेंड टू फर्दर। उसके बाद हमारे पास एकेडमी का कॉन्सेप्ट आया इन 2017, बिकॉज वी हैव फूड, जहां हम फूड बच्चों को सर्व करते थे या फिर मतलब लोगों को देते थे जो भी भूखे होते थे। बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर, आई मीन वी कैन फीड देम इन प्रेजेंट टाइम, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर, आगे वो लोग कैसे करेंगे। सो हम लोग ने फिर इसी चीज़ पर काम किया और हमने अकेडमीज स्टार्ट करी, मतलब बच्चों को पढ़ाना शुरू करा उनके स्लम एरियाज़ में जाके। सो वी एक्सपेंड देयर, वी स्टार्टेड अकेडमीज इन ईस्ट दिल्ली एंड वेरियस लोकेशन ऑफ दिल्ली। हमने वहाँ पर जाके पढ़ाना शुरू करा बच्चों को, जो भी जो स्कूल नहीं जाते। बेसिकली एकेडमी का कॉन्सेप्ट भी ये है कि हम लोग जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो भी स्लम में रहते हैं, उनको हम स्कूल में पहुँचाएं, बिकॉज वी कांट बी अ स्कूल बट वी कैन ट्राई टू बी अ स्कूल। आई मीन हम उन्हें जो भी सिखा सकते हैं, यू कैन ज्वाइन अस एज अ वॉलंटियर, एज अ टीचर, एज अ डोनर, आप कैसे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो और आप बच्चों को कुछ भी सिखा सकते हो, एनीथिंग विच यू नो, आई मीन वट एवर योर स्किल। बिल्कुल, जो भी आप जानते हैं आप वो किसी और को भी सिखा सकते हैं। और चलिए इसके बारे में और ज़्यादा हम जानेंगे और बात करेंगे। जो दर्शक इस वक्त एबीपी गंगा के आपको देख रहे हैं और खाने को लेकर के, जिस तरीके से खाने जैसे गंभीर मसले को हम लेकर के बात करें, क्योंकि कई बार ऐसे देश के कई ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं हो रहा और ये हकीकत है, इनसे जानेंगे आप क्या संदेश उन लोगों को देना चाहेंगे। ये बिल्कुल हकीकत है कि खाना हम लोग जब भी खाते हैं, हम जब वेस्ट करते हैं, हम उस टाइम सोचते ही नहीं कि कोई एक जना, कोई तो ऐसा होगा हमारे आसपास जिसको खाना नहीं मिल रहा होगा। अगर हम इस थॉट को लेकर अगर हम चलें या सोचें, वाकई में एक बार तो हमारे दिमाग में आएगा खाने को हम वेस्ट ना करें। और मैं तो सबसे अपील करूंगी, आप कोई भी फंक्शन करते हैं अगर आपके पास खाना बच जाता है तो हमें कॉन्टैक्ट करें, हमारे नंबर्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, हम खाना उसी टाइम लेंगे और उसी टाइम हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, और ताकि उन लोगों तक तो पहुँच जाए जो एटलीस्ट भूखे सो रहे हैं। हमारा यही मोटिव है। बिल्कुल, तो इनका मोटिव काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपको और हमें मिलकर के इन्हें सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। आपको बता दें एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, एबीपी गंगा और रॉबिन हुड आर्मी, ये हम सब मिलकर के एक इनिशिएट कर रहे हैं और आपको भी हमारे साथ ये शपथ लेनी चाहिए कि हम खाना वेस्ट करने से पहले ज़रूर उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें खाना नसीब नहीं होता। तो ये थी रॉबिन हुड आर्मी टीम। ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश भी कर रही है, और एबीपी न्यूज़ नेटवर्क और एबीपी गंगा यही इनिशिएट कर रहे हैं, और आप भी हमारे साथ मिलकर के ये शपथ लीजिए कि खाना वेस्ट नहीं करेंगे। खाना वेस्ट करने से पहले हम एक बार उन सब के बारे में ज़रूर सोचें, उन तमाम लोगों के बारे में ज़रूर सोचें जिन्हें खाना नसीब नहीं हो पाता। तो इसी के साथ हमारे इस खास शो में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।